तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि ओमेगा 3 के बारे में बात करेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी ओमेगा 3, जो अपना फैट होता है ना, हेल्दी फैट। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, इसके बेनिफिट क्या है, ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है, और ये कितने तरीके का होता है, और किस फूड में मिल सकता है, किस सप्लीमेंट से ले सकते हैं, इस सब पे बात करेंगे। अब पहला तो बात करते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा फिश ऑयल दोनों सेम है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों आपको लगता है कि फिश ऑयल और ओमेगा 3 अलग अलग है, नहीं, ओमेगा 3 एक ही है। अब ओमेगा 3 के साथ साथ अपन एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ओमेगा 3 के बारे में बात करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें आपको इसके क्या बेनिफिट है और ये किस आपके लिए क्यों हेल्प करेगा। दूसरा, अपनी बॉडी के अंदर दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिशन जो अपनी पूरी बॉडी के अंदर से अपना कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। अब प्रोटीन से क्या मिल जाता है आपको, कहीं ना कहीं एमिनो एसिड मिल जाता है। कार्ब्स से आपको क्या मिल जाता है, कहीं ना कहीं ग्लूकोज मिल जाता है। देन फैट से क्या मिलता है आपको, ओमेगा 3 मिलता है, जो आपका एक हेल्दी फैट होता है और बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत आपका हेल्पफुल होता है, और कहीं ना कहीं आपकी पूरी ब्रेन हेल्थ, आपकी आईज हेल्थ और सब में काम करता है। तो चलिए बात करते हैं कि ओमेगा 3 ALA और EPA और DHA, ये तीन टाइप्स के अपने ओमेगा 3 होते हैं। ALA क्या काम करता है, ALA आपकी बॉडी के अंदर ताकत प्रोवाइड करता है, जो भी आप खाना खाते हैं उससे ओमेगा 3 आपको प्रोवाइड होता है, और इसका बहुत कम मात्रा में DHA और EPA में कन्वर्ट होता है, जो आप ALA से लेते हैं। अब सेकंड है आपका DHA। DHA आपका क्या करता है, DHA आपकी ब्रेन वेट का 8% होता है, और कहीं ना कहीं ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब EPA क्या करता है, EPA आपकी जो बहुत सारा तनाव रहता है, एंजाइटी रहता है, आपको थकान रहती है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उससे ज्यादा आपको कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल करता है उनको रिड्यूस करने में। और आपने देखा होगा कि आपके बच्चे हो घर में, वो ज्यादा गुस्सा करते हैं, या कोई बच्चा बहुत शांत रहता है, तो उनमें डिफरेंस क्या है, उसमें कहीं ना कहीं EPA बहुत प्रॉपर उसका, किसी का EPA पूरा होगा तो वो हेल्दी होगा, किसी का EPA कम होगा तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा गुस्सा कर रहा है, ज्यादा एंजाइटी में रह रहा है, इन चीजों का बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हेल्थ एंड बेनिफिट, ये क्या क्या आपको बेनिफिट। पहला बात करते हैं कि ये आपका हार्ट अटैक जो होता है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, अपने इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंडिया में आती है। तो ये आपका, अगर आपका ओमेगा 3 आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर है, तो आपको हार्ट अटैक की बहुत कम मात्रा में हार्ट अटैक होगा। दूसरा, आपने जो बच्चों की मैंने बात करी थी कि बच्चों की कहीं ना कहीं ये आपको गुस्सा, तनाव, एंजाइटी भी रहती है, उससे मैं आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होता है। तीसरा, आपकी कहीं ना कहीं स्किन हेल्थ में आपका काम आता है, जो आपकी ओवरऑल स्किन है उसमें यूज होता है। देन आपका लीवर फैटी एसिड को कम करने में यूज होता है। देन आपकी कहीं ना कहीं ये ब्रेन हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ओमेगा 3। अब ये किस प्रोडक्ट से क्या होता है, जैसा मैंने आपको बोला था ALA, DHA और कहीं ना कहीं EPA, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, ALA तो आपको कहीं ना कहीं आपके खाने से मिल जाता है। अब आपका EPA और DHA कहाँ से मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक किसी प्रोडक्ट से यूज करना पड़ता है, किसी एक सप्लीमेंट की यूज करना पड़ता है। अब आपको नॉर्मल पर्सन है, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक IU की जरूरत है, मतलब एक टेबलेट अगर इसकी आप लेते हैं, इसमें जैसे 60 कैप्सूल आती है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर, तो आप एक टेबलेट लेते हैं तो आपका प्रॉपर है, ये आपके 2 महीने चलेगा, इजी है आपके लिए बहुत, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कॉस्टली है, तो आपको बहुत कम में पड़ेगा, बजट में आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एथलीट है, या आप फिटनेस जर्नी में चल रहे हैं, तो आपको 2 IU से 3 IU लेनी, मतलब 2 टेबलेट से 3 टेबलेट लेनी है कहीं ना कहीं। आप बात करते हैं कि 2 टेबलेट और 1 टेबलेट का मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 टेबलेट 1 ग्राम, एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1 ग्राम पूरे दिन में कहीं ना कहीं आपको ओमेगा 3 जाना चाहिए। दूसरा, आप थोड़ा सा एथलीट टाइप में आ रहे हैं, या फैट लॉस चल रहा है, या आप हेल्दी कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं, और या आप एथलीट है, तो कहीं ना कहीं आपको 2 टेबलेट या 3 टेबलेट पे आना है, जिससे आपकी कहीं ना कहीं बॉडी में रिकवरी अच्छे से हो पाए, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी से रह पाए, कहीं ना कहीं आप बॉडी को अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये अपन किससे ले सकते हैं, कौन कौन से फूड से ले सकते हैं, तो आप इसको फिश से ले सकते हैं, आप इसको एग से ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फिश में कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, तो टूना फिश यूज कर सकते हैं, देन एक सैल्मन यूज कर सकते हैं, देन आप एक व्हाइट एक येल्लो से आपको ये मिलता है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक येल्लो आपको ज्यादा नहीं खाने हैं।
ठीक है, देन आपको वॉलनट से मिल सकता है, दूसरा आपको सिया सीड से मिल सकता है, देन फ्लैक्स सीड से मिल सकता है, और आपको ये पीनट्स में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्दी फैट्स मिलते हैं। दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इसको फूड से ले रहे हैं वेल एंड गुड है, अच्छा है, आप फूड ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में और चीजें भी फंक्शनल अच्छी होगी, पर आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, आपके लिए क्या बॉडी में ज्यादा यूज है, तो आपको उन चीजों का ज्यादा यूज करना है और डेली रूटीन में यूज करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने फिश खा ली है उसके बाद अगले महीने खा रहे हैं या एक दो वीक बाद खा रहे हैं, ठीक है। चीजों को कंसिस्टेंसी रखना है जिससे आपका ओमेगा 3 या हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में पहुंच सके। और इन्फॉर्मेशन के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे से वन टू वन बात करनी है, इसको कैसे परचेज करना है, तो मैं इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं इसको कैसे परचेज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर इसको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे लिए वन टू वन मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरे से वन टू वन बात भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ आपकी हेल्थ को लेकर। और एक और चीज, मेरे लाइव वर्कआउट सेशन चलते हैं जिसमें मैं 7 केजी वेट लॉस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, तो आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और मैं आपकी कहीं ना कहीं उसमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के साथ कैसे आप 7 केजी वेट लॉस कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।